हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 360 डिग्री। आज हम हिस्ट्री सीरीज के इस लेक्चर में प्री हरप्पन कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्री हरप्पन कल्चर ये कौन सा पीरियड था? तो स्टोन एज के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सो स्टोन एज में आपका आता है पेलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। सो नियोलिथिक कल्चर के बाद जो है प्री हरप्पन कल्चर आता है। नियोलिथिक कल्चर और हरप्पन कल्चर यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में प्री हरप्पन कल्चर जो है डेवलप होता है। और इस प्री हरप्पन कल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में, ये भी हम इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अर्लीस्ट सेटलमेंट्स इन बलूचिस्तान एंड नेबरहुड। सबसे पहले हम जो हैं इस लेक्चर में वो कौन से सेटलमेंट्स थे जो प्री हरप्पन सेटलमेंट्स थे, अर्लीस्ट सेटलमेंट, सबसे पहले सेटलमेंट्स, और उसके एग्जीबिशंस जो हमें मिले हैं उसकी बात करते हैं। सो एग्जीबिशंस में हमें बलूचिस्तान एरिया जो है प्री हरप्पन सिविलाइजेशन और कल्चर के टाइम में, ये जो है बलूचिस्तान एरिया, गोमल वैली एरिया, देन आपका वेस्टर्न पंजाब एरिया, सिंध प्रोविंस एरिया, बहावलपुर एरिया, घग्घर एरिया, घग्घर वैली वाली एरिया जो है जिसे सरस्वती वैली के नाम से भी हम जानते हैं, राजस्थान और हरियाणा के एरिया, यानी ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बलूचिस्तान एरिया ये फर्स्ट एरिया था। मेहरगढ़ के पास का ये सब एरिया जो है ये सबसे पहले एरिया था जहां पर जो है प्री हरप्पन साइट्स जो है वो डेवलप हुई, राइट। इनिशियल सेटलमेंट्स और कॉलोनीज जो हमें सबसे पहले इसके जो एविडेंस मिलते हैं वो हमें सिंध प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का एरिया, वहाँ पे जो है हमें इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ जो है ये सबसे ओल्डेस्ट साइट है, अराउंड 7000 BC ओल्ड ये साइट जो है हमें इसका एविडेंस जो है मिला है। सो नाउ हम अब सेटलमेंट्स की बात करते हैं। तो सेटलमेंट्स में सबसे पहले जो है बलूचिस्तान एरिया आ जाता है, फिर हमारा सिंध प्रोविंस की बात करेंगे, देन गोमल वैली की बात करेंगे। ये गोमल वैली एक्चुअल में ये कौन सा एरिया था, तो ये पाकिस्तान का वो एरिया हो जाता है। देन वेस्टर्न पंजाब, राजस्थान एरिया ये इंडिया के हैं, और ये गुजरात एरिया, ये दोनों एरिया यहाँ पर इंडिया के हैं, और ये जो है आपके ये एरिया जो है आपके पाकिस्तान वाले एरिया आ जाते हैं। सो अब हम बलूचिस्तान एरिया की बात करते हैं। सो मेहरगढ़ हमने देखा कि मेहरगढ़ सबसे ओल्डेस्ट साइट है, सबसे पुराना साइट जो है हमें मेहरगढ़ मिला है। अब मेहरगढ़ को भी जो है दो फेजेस में हमने जो है डिवाइड किया है। दो फेजेस हमें जो है इसके एग्जीबिशंस में ये एविडेंस जो है हमें मिले हैं दो अलग अलग फेजेस के। सो फर्स्ट फेज जो है हमें मिला है उसमें जो है हमें एग्जीबिशन के दौरान कोई पॉटरी नहीं मिली है, यानी उस टाइम पे लोग जो है पॉटरी नहीं बनाते थे, वो लोग जो है रॉ हाउसेस कच्ची घरों में रहते थे, और हमें स्टोन के बाउल्स मिले हैं, कटोरे मिले हैं, न्योलिथिक टूल्स कुछ कुछ मिली हैं। देन वो लोग जो है कैटल को भी डोमेस्टिकेट करते थे, इसका एविडेंस जो है हमें इस बात से पता लगता है कि उन कैटल्स के बोन्स जो है हमें एक्सकवेशंस में मिले हैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड फेज की बात करते हैं। फर्स्ट फेज में तो हमें ये सब मिला है, राइट। अब सेकेंड फेज की बात करें तो सेकेंड फेज में हमें जो है चालकोलिथिक कल्चर, इसका एविडेंस मिलता है। अब चालकोलिथिक कल्चर हम कैसे कह सकते हैं कि इसका एविडेंस मिला है, क्योंकि कॉपर टूल्स जो है वो हमें मेनली यहाँ पर उसका यूज देखने को हमें मिला है। पॉटरीज, इस टाइम तक लोगों ने पॉटरीज बनाना शुरू कर दिया था, और हाउसेस जो थी वो पहले तो फर्स्ट फेज में रॉ हाउसेस थे, कच्ची घरे थे, अब इस टाइम थोड़ा उन्होंने उसको जो है और डेवलप किया अपने घरों को। देन ग्रैनरी स्टोर हमें देखने को मिला है स्टोरेज पर्पस के लिए मेनली, जैसे जैसे उन्होंने अगर जो
उगाया, बाजरा उगाया, राइट। तो उसको स्टोर करने के लिए वो ग्रैनरी यूज करते थे। क्वेटा वैली ये एक जगह है किली गुल मोहम्मद दम सदात, ये हम आगे हम मैप में देखेंगे, ये दोनों जो है पाकिस्तान में ही एरिया है, राइट। और ये 4000 BC ओल्ड ये जो है एरिया, यहाँ पे इतना पुराना एरिया है मिला है हमें। पॉटरीज जो लोग बनाते थे वो पिंक कलर की मेनली होती थी, पिंक और रेड कलर की होती थी, और उसमें ब्लैक पेंटेड होता था, यानी ब्लैक कलर से वो डिजाइन उस पे बनाते थे पॉटरीज पे। यहाँ पे जो है लोगों का कांटेक्ट जो है वो वेस्ट में पर्शियन गल्फ के लोगों से भी था, यानी ये लोग जो है जो ट्रेड करते थे वो पर्शियन गल्फ के लोगों से करते थे। इस तरह का एविडेंस जो है हमें मिला है यहाँ बलूचिस्तान एरिया से, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंध प्रोविंस की। सिंध प्रोविंस में हमें कौन कौन से साइट्स मिले हैं, तो अमरी, कोटदीजी और मोहनजोदारो, ये साइट्स जो है हमें प्री हरप्पन कल्चर के मिले हैं। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि मोहनजोदारो जो है हरप्पन सिविलाइजेशन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अर्बन सिटी है, और साथ ही साथ ये प्री हरप्पन कल्चर में भी, ये उससे पहले भी जो है ये डेवलपमेंट जो है शुरू हो गया था। हालांकि प्री हरप्पन कल्चर के दौरान ये जो है मोहनजोदारो, कोटदीजी, अमरी, ये सब जो है और ज्यादा डेवलप हो गए, मतलब वो और मोर डेवलप हो गए हरप्पन कल्चर के दौरान, बट प्री हरप्पन कल्चर में भी इनका डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। हाउसेस जो है यहाँ पे, घर जो है वो हमें पत्थर के देखने को मिलते हैं, और रॉ ब्रिक्स मेनली प्री हरप्पन कल्चर में, मेनली हम जितने भी साइट्स देखेंगे आगे उसमें हमें यही देखने को मिलता है कि कच्ची ईंटों के घर बने हुए रहते थे। कोटदीजी में हमें जो है फोर्टिफाइड सिस्टम जो है देखने को मिलता है, सिस्टमैटिक रोड्स थे वहां, मतलब रोड्स जो थी अच्छी थी, गलियां चौड़ी थी, एंड ड्रेन रोड्स के साइड में जो है हमें नालियां भी दिखते हैं, देखने को मिलते हैं। फोर्टिफाइड की बात करें तो ये फोर्टिफाइड क्या है, फोर्टिफाइड मीन्स कोट दीजिए, जैसे कोई यहाँ पर जो है ये एक मान लो कोई सेटलमेंट्स है, राइट। तो ये जो है यहाँ पे घर बने हुए हैं, राइट, ये जो है घर बने हैं, और ये चारों तरफ जो बाउंड्री है, यानी इस पूरी एरिया की जो हमने बाउंड्री कर दी, टू प्रोटेक्ट दीज एरियाज, राइट, टू प्रोटेक्ट दीज हाउसेस फ्रॉम आउटसाइडर्स, इसके लिए जो है हम फोर्टिफाइड करते थे, एक वॉल जो है चारों तरफ उस एरिया के खड़ा कर देते थे, ताकि वो हम जो है उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखे। प्रोटेक्शन सिक्योरिटी पर्पस के लिए मेनली यूज होता था फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी से हम बोलते हैं हिंदी में। प्री हरप्पन कल्चर, अब गोमल वैली की बात करते हैं, तो गोमल वैली में भी दो फेजेस जो है यहाँ पर हमें देखने को, इसका एविडेंस हमको मिलता है। फर्स्ट फेज में जो है हमें स्मॉल टूल्स, बोन्स और सर्कुलर पिट जो है, इसके एग्जर्वेशंस में हमें ये एविडेंस मिला है कि सर्कुलर पिट जो है ये सब देखने को मिलता है। एंड सेकेंड फेज में हमें विलेज सेटलमेंट के एविडेंस मिले हैं कि लोग जो है वो अब गांव में रहना शुरू कर दिया था लोगों ने। और इस चीज का हमें कैसे पता लगता है कि विलेज सेटलमेंट में लोग जो है रहते थे, सो यहाँ पे पेंटेड पॉटरीज हमें मिली हैं, रॉ हाउसेस, और साथ ही साथ कॉपर के स्टैचूज भी हमें देखने को मिले हैं। ये कॉपर के स्टैचूज जो है लोग बनाना, उस टाइम जो है लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था ये कॉपर के स्टैचूज, राइट। सो ये कॉपर के स्टैचूज जो है, इसका एविडेंस जो है हमें, ये कॉपर के स्टैचूज सेंट्रल एशिया और साउथर्न तुर्कमेनिस्तान, इस एरियाज में भी जो है हमें ये हमें स्टैचूज जो है मिले हैं, सेम स्टैचूज जो हमें यहाँ गोमल वैली में मिले हैं वही हमें सेंट्रल एशिया और सदर्न तुर्कमेनिस्तान में भी हमें देखने को मिला है ये वाले। सो हम कह सकते हैं कि वहां से ये लोग जो है ट्रेड करते थे, हो सकता है कि ट्रेड करते होंगे, राइट। सो नाउ हम नेक्स्ट वेस्ट पंजाब की बात करते हैं। वेस्ट पंजाब में हम देखेंगे तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट साइट हमें देखने को मिलता है, सराई खोला और जलीलपुर, ये दोनों ही जो है वो पाकिस्तान एरिया में है। सराई खोला
नियर रावलपिंडी, रावलपिंडी के पास है। सराईखोला में भी हमें दो फेस देखने को मिलता है, और जरील पुल जो कि रिवर रावी और रिवर चेनाब के संगम पर स्थित है, ये साइट मतलब अभी भी पहले था, राइट। सो यहाँ पे भी हमें दो फेस देखने को मिलते हैं। पहले सराईखोला की बात करते हैं, तो फर्स्ट फेज में हमें पॉलिश्ड स्टोन एग्स यानी कुल्हाड़ी, हमें पत्थर की पॉलिश्ड कुल्हाड़ी जो है हमें मिली है, हैंडमेड पॉटरीज देखने को मिलता है। एंड सेकंड फेज में हमें पेंटेड पॉटरीज देखने को मिलता है। जलीलपुर में हमें फर्स्ट फेज में हैंडमेड पॉटरीज, स्टोन पैनल्स और गोल्ड के बीड्स तो है मिलते हैं देखने के लिए। ये बीड्स जो है मेनली ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज किया जाता था, लोग गले में इसको माला बना के पहनते थे, इसी को बीड्स बोलते हैं। एंड सेकेंड फेज में पेंटेड पॉटरीज, कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स और लापिस लाजुली हमें देखने को मिलता है। लापिस लाजुली क्या है? तो लापिस लाजुली ये एक तरह की मनी होती थी, मनी, और ये मनी जो है अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। लोग जो है मनी गले में पहनते थे, एज ए नेकलेस बना करके इसको पहनते थे, और इसे अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। ट्रेड होता था ना अफगानिस्तान से, तो लोग इंपोर्ट करते थे। नेक्स्ट, अब हम वो सेटलमेंट्स की बात करेंगे जो इंडिया में है, जैसे राजस्थान और गुजरात एरिया। राजस्थान में मेनली सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है वो काली बंगन हमें देखने को मिलता है। काली बंगन 3000 BC ओल्ड ये साइट है, और यहाँ पर जो है हमें रॉ ब्रिक्स, कच्ची ईंटों की हमें जो है कॉलोनी देखने को मिली है। पहले तो अब तक तो हमने जो है साइट्स देखे हैं, विलेजेस देखे हैं, बट यहाँ जो है हमें कॉलोनीज मिलती है देखने को। ये जो कॉलोनीज है ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर में था, मतलब यहाँ पर जो है कॉलोनीज टाइप है, राइट। एंड ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल शेप में हमें देखने को मिला है, और ये फोर्टिफाइड भी था, यानी कि ऐसे कह सकते हैं ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसी तरह से फोर्टिफाइड भी था। एंड यहाँ पे हमें कुछ एग्जीबिशंस में ये खिलौने मिले हैं, क्ले के टॉयज उनके मिले हैं, व्हील, देन कैटल्स के बोन हमें देखने को मिले हैं एग्जीबिशंस में। यहाँ पे लोग जो है वो रॉबिक कच्ची ईंटों के जो घर रहते थे उनके उसी में वो रहते थे, और ये घर को जो है यहाँ पे ना बहुत ध्यान से बनाया जाता था। घरों को इस तरह से बनाया जाता था कि उनका डायरेक्शन वगैरह, मेन डायरेक्शन किस हिसाब से घर जो है होना चाहिए वो पूरा देख के वो लोग जो है बनाते थे। चार दीवारी से पूरा एरिया जो है कालीबंगन में कॉलोनीज वो घिरी हुई रहती थी। ये कालीबंगन का एरिया जो है मेनली प्रेजेंटली ये जो है घग्घर एरिया, जो आज का जो प्रेजेंट घग्घर नदी है जिसे पहले हम सरस्वती नदी बोलते थे, उसका वैली एरिया जो है उसमें जो है ये कालीबंगन साइट जो है डेवलप हुआ था। यहाँ पे ये कल्चर जो है प्री हरप्पन कल्चर कालीबंगन का इस एरिया में डेवलप हुआ था। और यहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका जो रेमनेंट हमें मिलता है यानी उसका जो रिमेन्स हमें मिलते हैं, उसके नीचे के लेयर में हमें जो है प्री हरप्पन कल्चर के साइन जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे कालीबंगन में हमें और भी एग्जीबिशंस में एविडेंस मिली है, जैसे कि क्ले का यूज होता था, कॉपर के बैंगल्स हमें देखने को मिले हैं, एंड और ऑर्नामेंट्स, लाइट ज्वेलरी लोग जो है यूज करते थे, 6 टाइप की पेंटेड पॉटरीज हमें देखने को मिलती हैं, बुलक कार्ट का यूज होता था, बुलक कार्ट का यूज मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था, कच्ची ईंटों का घर में आंगन रहता था, जैसे उनके घर के क्या स्ट्रक्चर होते थे, जैसे अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ इस टाइप का घर होता था, थोड़ा अच्छा नहीं बना, तो यहाँ पे जो है बीच में आंगन होता था एंड चारों तरफ में इसके जो है रूम्स रहा करते थे, ऐसे इस टाइप का होता था। आज भी कुछ कुछ घरों में इंडिया में इस तरह के घर हमें देखने को मिलते हैं, और खाना जो है वो आंगन में बीच में ही बनाया जाता था, खाना पकता था, राइट। इस तरह से लोग जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता था उनके घरों का। सो नाउ गुजरात एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे पाटन और लोथल ये दो एरियाज जो है प्री
प्री हरप्पन साइट के हमें जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एविडेंस मिली है पॉटरीज की, रेड कलर की पॉटरीज और उस पे ब्लैक पेंटेड आर्ट। तो अब हम बात करेंगे कि प्री हरप्पन कल्चर जो था उसका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में। तो हमने फोर्टिफिकेशन पहले देखा, फोर्टिफिकेशन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले प्री हरप्पन कल्चर में ही हमें कुछ कुछ साइट्स में फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ मोहनजोदारो, हरप्पा, देन चान्हुदारो, कालीबंगन, धोलावीरा, इन एरियाज में हमें जो है ये हरप्पन साइट्स की वो एरियाज हैं जहाँ पे हमें मेनली फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। और प्री हरप्पन सिविलाइजेशन में भी फोर्टिफिकेशन हमने देखने को मिलता है, पर यहाँ पे डिफरेंस यही है कि वो फोर्टिफिकेशन जो प्री हरप्पन कल्चर में होता था वो रॉ ब्रिक के होते थे, कच्ची ईंटों के होते थे, और हरप्पन सिविलाइजेशन में यही फोर्टिफिकेशन जो है वो पक्की ईंटों से होने लग गए थे। डेवलपमेंट और ज्यादा डेवलपमेंट होने लग गया था हरप्पन सिविलाइजेशन के दौरान, राइट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रॉ ब्रिक यूज होता था जिसका रेशियो 1:2:3 इस रेशियो में यूज होता था। बाद में जो है 1:2:4 ये जो है ईटों का साइज इस रेशियो में बनता था, राइट। हरप्पन पीरियड में वही ईट जो है पक्की ईटों का और सेम रेशियो 1:2:4 की रेशियो में यूज होने लगा। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम, ये जब हम कोई दीवार खड़ा करते हैं तो ईटों को जो ज्वाइंट करते हैं एक के ऊपर एक ईट रखते हैं, उसे हम उस मेथड को हम इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम बोलते हैं। सो इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम जो है यूज होता था ईटों को ज्वाइंट करने में। एंड नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉटरी। सो प्री हरप्पन कल्चर में पॉटरीज जो थी वो स्मॉल पॉटरीज होती थी, कोट दीजिए और कालीबंगन में हमें लार्ज क्वांटिटीज में ये स्मॉल पॉटरीज जो है देखने को मिलती हैं, जो रेड और पिंक कलर की थी, ब्लैक पेंटेड थी, राइट। और ये ब्लैक पेंटेड रेड कलर की पॉटरीज ये जो है दोनों ही कल्चर में हमें प्री हरप्पन में और हरप्पन दोनों ही कल्चर में देखने को मिलती है। हरप्पन कल्चर में बस डिफरेंस इतना था कि ये पॉटरीज जो है और बड़ी साइज की बनने लग गई, जबकि प्री हरप्पन कल्चर में ये पॉटरीज जो है वो स्मॉल साइज की बनती थी। डिजाइन की बात करें पॉटरीज में तो डिजाइन हमें दोनों ही फेज में देखने को मिलते हैं, प्री हरप्पन और हरप्पन दोनों ही फेज में हमें डिजाइन देखने को मिलते हैं। और ये डिजाइन जैसे पीपल के पत्ते हो गए, आपके पेड़ पौधे, फिर इंसान के, ये ह्यूमंस के डांस करते हुए, इस टाइप के डिजाइन जो हमें पॉटरीज में देखने को मिलती हैं। बात करते हैं प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस इनकी। तो उस टाइम जो है बिजनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ब्लेड्स, स्मॉल साइज के ब्लेड्स जो है बनाए जाते थे, छुरा जिसे बोलते हैं, बीट्स बनाए जाते थे बहुत लार्ज क्वांटिटीज में, बैंगल्स, देन कॉन्च, शंख, इन सबका डिमांड ज्यादा था, इसलिए लोग जो है इस तरह की इंडस्ट्री उस टाइम जो है डेवलप थी। और इसका एविडेंस हमें कालीबंगन, बानावली, सराईखोला, चान्हुदारो एरिया से हमें इसका एविडेंस देखने को मिलता है। अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अर्बन कंस्ट्रक्शन की पहले बात करते हैं, रोड्स जो है चौड़े रोड्स, इसका एविडेंस जो है प्री हरप्पन कल्चर में ही हमें देखने को मिल जाता है, तभी तो हरप्पन सिविलाइजेशन में फिर ये रोड्स जो है और ज़्यादा डेवलप फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। रोड्स के किनारे में हमें नालियां भी देखने को मिलती हैं और कुछ ऐसे बर्तन भी रोड्स के किनारे में रख दिया जाता था, अगर ज़्यादा पानी नाली में आ रहा है तो वो जो है वो पानी उस बर्तन में चला जाएगा, इसके लिए साइड्स में कुछ बड़े बड़े बर्तन भी रख दिए जाते थे। बुल्लक कार्ट्स का यूज होता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ी यूज होती थी। हम्ड बुल और मदर वर्शिप, लोग जो है इनकी पूजा करते थे। हम्ड बुल से प्री हरप्पन कल्चर के लोग जो है फेमिलियर थे, यानी वो जानते थे हम्ड बुल उस टाइम था, उन लोग जो है और मदर गॉडेस का वर्शिप करते थे, क्योंकि इसका स्टैचूज जो है हमें बहुत जगह से मदर गॉडेस का हमें देखने को ये एविडेंस एग्जीबिशंस में हमें जो है ये मिला है। सो यहाँ पे जो है मैप दिया हुआ है प्री हरप्पन सिविलाइजेशन के कुछ
साइट्स हैं यहाँ पे। सराईखोला, इसकी हमने बात की थी, राइट। ये सराईखोला, देन यहाँ किली गुल मोहम्मद, दाम सादात, देन मेहरगढ़ साइट, देन यहाँ जलीलपुर, बानावली, कालीबंगन, राइट, मोहनजोदारो, कोट दीजी, यहाँ बालाकोट आ गया, देन यहाँ ढोलाबीरा, सुरकोटदा, लोथल, प्रभास पट्टन, इन सब साइट्स की हमने बात की थी और जो हमने मैप में यहाँ पे आपके लिए दे दिया है। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय लेक्चर प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।